हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12 लाख से ऊपर स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरण होगा। आज सीएम योगी 12 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स के खातों में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस काम में 458.66 करोड़ रुपए की धनराशि का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का पहले चरण का वितरण कार्यक्रम आज पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले चरण में जो स्टूडेंट रह जाएंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल करीब 56 लाख गरीब परिवारों के स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप देती है। इसके लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट से आवेदन मांगा जाता है। इस साल भी बहुत से स्टूडेंट ने यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का वितरण आमतौर पर 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को करती है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव होने के कारण स्कॉलरशिप को पहले बांटा जा रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि दिसंबर के पहले सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाए। इस साल 2 अक्टूबर को पहले चरण में स्कॉलरशिप बांटी जा चुकी है। इसमें करीब 1.5 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 नवंबर को बचे हुए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के आर्डर दिए थे। इसके तहत अब करीब 12 लाख से ऊपर स्टूडेंट को यूपी के सीएम स्कॉलरशिप देंगे। इस योजना से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लाभ उठा सकेंगे। और दोस्तों, आप भी यदि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ सुनकर आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।